मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा रविवार को बस से सफर पर निकले। साथ में उनके नाम लश्कर था, ना ही कोई लंबा जमा था। जी हां, सफर था भोपाल से इंदौर का। झा का कहना है कि अध्यक्ष पद जाने के बाद पार्टी की गाड़ी उन्होंने वापस कर दी है, लेकिन विपक्ष इससे प्रभात झा की नाराजगी मान रहा है। लेकिन समय का खेल रहता है, समय बहुत तेजी से कम समय में ज्यादा काम कर रहा था, इसलिए बस भी आदमी के लिए है और मैं आदमी ही हूं। मैं किसी ऐसी चीज पर सवार नहीं है जो आठवां आश्चर्य है। सब समय का फेर है। कुछ ही दिन पहले की बात है, प्रभात झा के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता था। सुविधाओं से लैस गाड़ियों के काफिले में सफर करते थे प्रभात झा, लेकिन जैसे ही प्रभात ने खुद कहा सब समय का फेर है, अब बस में अकेले। कहीं कोई कार्यकर्ता मिल गया तो माला पहना दी, नहीं तो सफर तन्हा ही कटा। तस्वीरें प्रभात झा के भोपाल से इंदौर यात्रा की है। इंदौर में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होना था। प्रभात झा ने भोपाल से बस पकड़ी और इंदौर के लिए निकल पड़े। सवाल ये कि आखिर प्रभात झा बस से क्यों निकले, तो जवाब भी प्रभात झा देते हैं। कहते हैं पार्टी की गाड़ी वापिस कर दी, बस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। मैं कल तक अध्यक्ष था और अब अध्यक्ष नहीं हूं। वो सारी गाड़ियां पार्टी की थी, मेरी नहीं थी, इसलिए बस में भी नागरिक ही यात्रा करते हैं। और बस में चल गया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई, सामान्य आदमी सामान्य बस में ही चलता, उसमें क्या बात है। प्रभात झा खुद बताते हैं कि अध्यक्ष रहते उन्हें 12 गाड़ियां कार्यकर्ताओं ने दी थी, लेकिन अब पूर्व अध्यक्ष हो गए, रुतबा चला गया है। वैसे इसे प्रभात झा की ईमानदारी ही कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टी की गाड़ी तुरंत वापस कर दी, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि पहले भी अपनी गाड़ी से सफर करते थे, अब सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बस में यात्रा की नौटंकी हो रही है। जिस तरह से उनको बेआबरू होकर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया है, यह उसकी खीज है। जी जी, प्रभात झा अध्यक्ष बनने के पहले कभी बस में यात्रा नहीं की, अब क्यों यात्रा कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो अंदरूनी झगड़ा है, ये निश्चित रूप से सड़कों पर आ गया। देवास और इंदौर में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रभात झा का स्वागत भी किया, लेकिन पहले वाली बात नहीं दिखी। तोमर की ताजपोशी के दौरान भी प्रभात झा का दर्द छलक गया था। अब बस यात्रा कर फिर झा ने अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। देवास से शकील खान के साथ मनोज खांडेकर, सहारा समय, इंदौर।